नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपीएन न्यूज। आइए रुख करते हैं निकाय चुनाव से जुड़ी विशेष खबरों की तरफ। आगामी 4 मई को प्रथम चरण के होने वाले नगर निकाय चुनावों को लेकर मची घमासान के बीच बुधवार को सहनिर्वाची पदाधिकारी व एसडीएम हनुमान प्रसाद मौर्य ने एसीपी मोहनलाल गंज राजकुमार सिंह के साथ मिलकर मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्रों पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की अद्यतन स्थिति का जायजा लिया। एसडीएम हनुमान प्रसाद मौर्य ने नगर पंचायत नगराम के सभी विद्यालयों प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालय नगराम के अलावा प्राथमिक विद्यालय शेखाना व प्राथमिक विद्यालय कटरा समेत सामुदायिक भवनों, आंगनबाड़ी केंद्रों और सार्वजनिक स्थानों पर बनाए गए मतदान केंद्रों का जायजा लिया और समय से सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध करने के निर्देश दिए। एसडीएम हनुमान प्रसाद मौर्य ने बताया कि नगर निकाय चुनाव को भयमुक्त व निष्पक्ष माहौल में संपन्न कराने को लेकर प्रशासन पूरी तरह सजग व चौकस है। सभी बूथों का औचक निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। साथ ही सभी बूथों पर साफ सफाई, पानी, हैंड पंप, शौचालय व बिजली समेत सभी बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त कराया जा रहा है। कार्यों में तेजी लाने के लिए निर्वाची पदाधिकारी ने संबंधित नोडल पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। वहीं एसीपी मोहनलाल गंज राजकुमार सिंह ने प्रभारी निरीक्षक हेमंत राघव व अन्य पुलिस कर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के साथ ही संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों पर वोटरों की जानकारी लेते हुए गड़बड़ी करने वालों को पाबंद करने और चुनाव के पहले सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस मौके पर नायब तहसीलदार अनुपम वर्मा तथा नगराम थानाध्यक्ष हेमंत राघव के साथ ही अन्य प्रशासनिक अधिकारी व नगर पंचायत नगराम के कर्मचारी भी मौजूद रहे। पीपीएन न्यूज के लिए नवीन वर्मा की खास रिपोर्ट।